पहले जब आतंकी हमले हुआ करते थे ना, तो मेरे भाई तब रेजिग्नेशन मांगे जाते थे। आप देखिए शिवराज पाटिल साहब और चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख साहब, जब मुंबई अटैक्स हुए थे तब वो दोनों रेजिग्नेशन देके चले गए थे। उसके बाद फिर दांतेवाड़ा में 72 जवान शहीद हुए थे, चिदंबरम साहब ने रेजिग्नेशन ऑफर किया था, सरदार मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन दिनों में जब आतंकी हमले होते थे तो रेजिग्नेशन मांगे जाते थे, आज जब आतंकी हमले होते हैं तो वोट मांगे जाते हैं। इससे बड़ा घिनौना अपराध कोई हो सकता है क्या? शायर लिखता है सरहद पे बहुत तनाव है क्या? अरे जरा पता तो करो चुनाव है क्या? वाह राह तंदौरी साहब, आपने सागर को गागर में डाल दिया, एक लाइन में पर्दाफाश खोल दी, पोल खोल दी, नंगा करके खड़ा कर दिया। ये मैंने थोड़ा ना कहा है, ये मैंने तो एक शायर, और मैं वैसे ही शायर, मुद्दों से मत भटकाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जंग की गूंज में म्यूट नहीं कर पाओगे किसान को, जॉबलेस उसको, ब्लैक मनी को, मरे जवान मरे किसान, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या तुम नहीं गए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के पास बिन बुलाए जब फीना डालने? नहीं गए थे क्या? राहुल जी को कहते हो पोस्टर बॉय, क्या तुम नहीं गए थे भाई वहां बिन बुलाए? और किस किस के पांव छू के आए? तुम प्रधानमंत्री हो, बिन बुलाए कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हा? तुम करो तो न्यारी ढीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह गुरु वाह, तुम्हारी राजनीति बड़ी कड़क है, हा? तुम ही देशभक्त पैदा हुए हो, और तो दुनिया में कोई देशभक्त पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। इस देश की तुम पे नजर है, जो पब्लिक है ये सब जानती है, कुछ छुपा नहीं है, लोगों को नहीं भटका पाओगे, लोगों को भ्रमित नहीं कर पाओगे। 3 इलेक्शन क्या हार गए यार, इतना हड़बड़ा गए हैं, इतना हड़बड़ा गए कि ऐसे स्तर पे आ गए हैं? भाई तुम्हारी अपनी अलायंस पार्टनर पूछ रही है कितने आतंकवादी मरे, लोगों का अख्तियार नहीं, लोगों का हक नहीं, मार्टर्स की धर्मपत्नी पूछ रही है कि तुमने रिवेंज लिया, हम सारे खड़े थे तुम्हारे साथ, पूरा देश खड़ा था तुम्हारे साथ, तो क्या हुआ, क्या हुआ 56 इंच के सीने में क्या हुआ? कि जवान क्यों मरे, ये बड़ा सवाल है। क्या सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं? 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जब मोदी साहब जाते हैं सड़कें बंद हो जाती है, चक्का जाम, पंजाबी में कहते हैं चक्का जाम, किल्ली टाइट, कुत्ता पूंछ नहीं मारता, परिंदा पर नहीं मारता, 3000 जवान जाता है, 15 घंटे सोता नहीं, तो भैया आम आदमी के लिए सड़क खुली है? 350 किलो आरडीएक्स लेके कोई अकेला आदमी धाएं बीच में घुस जाता है? हाँ, ये इंटेलिजेंस है क्या? ट्रैकर कहां थे जो फौज के आगे चलते थे? सैटेलाइट सिस्टम कहां है जो आज भी बड़े बड़े देशों में चलता है, जब फौज चलती है उसके आगे ट्रैकर चलते हैं? और भाई जब DDP ने गुहार लगाई CRPF के कि एयरलिफ्ट करो वो सस्ता पड़ता है, तो क्यों नहीं? एक भी शहीद के घर अगर मोदी साहब गए हो तो मैं नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। हाँ, देवता ना काठ की मूर्ति में है ना मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है, और भावना ही सब कुछ है, भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता है। नरेंद्र भाई मोदी, इस सवाल सीधे आपके ऊपर हूं, देख जिस जंग में, सुनिए ये मैं नहीं कहता, ये जगतगुरु चाणक्य कहते हैं,
जिस जंग में राजा की जान को खतरा ना हो, वो जंग नहीं है, वो राजनीति है, वो सियासत है। करो ना सियासत करो, लेकिन मेरे भाई फौज को छोड़ दो। फौज पवित्र है, फौज हमारी आन बान शान है। इस फौज को छोड़ दो, इसका सियासीकरण मत करो, इसके कंधों से ये सियासी तीर मत दागो। अरे भाई तुम भ्रमण करने जाते हो तो 6,500 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं अपने मुंह शादी मुबारक, मियां मिट्ठू, मोदी ने ये कर दिया, अखबारों में बहिष्कार करा दिया, है जी गुड़ में टट्टू उड़ा दिया, क्यों जी 2,000 करोड़ रुपए बाहर विदेशी यात्राओं पे, और जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कराओगे, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? तो ये सवाल है जिनका कोई उत्तर नहीं आया। बस एक सियासी तीर है फौज का पॉलिटिसाइजेशन, इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा पाप, जघन्य अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और सवाल हर तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को अगर कोई सवाल करता है तो वो एंटी नेशनल डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, वही एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो आतंकवादियों को उनके घर छोड़ के आती है। कौन रोक रहा था जब आप समझौता कर रहे थे उसे सजा देने के लिए? सारा देश आपके साथ है, आप लड़ो आतंकियों से, लेकिन जंग के जामे में सियासत मत करो, जवानों की शहादत पे सियासत मत करो, और फौज का सियासीकरण मत करो।